औरत की तीन चीजें मसलने से औरत अपनी शर्मगाह खोलकर मर्द के ऊपर बैठ जाती है। नाज़िम, एक गैर शादीशुदा औरत के ऊपर शहवत का गलबा तब पड़ता है जब मर्द के जिस्म तक रसाई हासिल कर लेता है और औरत को अपने बिस्तर तक लाता है। जब मर्द औरत के जिस्म तक रसाई हासिल कर लेता है और औरत को अपने बिस्तर तक लाता है तो अक्सर औरतें फिर भी मर्द को इनकार कर देती हैं और मर्द को अपने कपड़े उतारने नहीं देती। तो फिर ऐसी सूरत में मर्द परेशान हो जाता है कि अब मर्द को क्या करना चाहिए कि औरत अपने कपड़े उतारने पर मजबूर हो सके और इनसे हम बिस्तरी के खूब लुत्फ़अंदोज़ हो सकें। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे औरत की कौन सी तीन चीज़ें दबाने, मसलने या टच करने से औरत अपनी शर्मगाह खोलकर मर्द के ऊपर बैठ जाती है और मर्द को हम बिस्तरे में खूब मज़े देती है। नंबर वन, उंगलियों के दरमियान वाली जगह मसलना। जो औरत मर्द को अपने जिस्म को हाथ ना लगाने दे रही हो, मर्द की ख्वाहिश हो कि वो औरत कपड़े उतार कर इसके साथ हम बिस्तरे करे, तो इसे चाहिए कि औरत की उंगलियों के दरमियान वाली जगह को अपने अंगूठे की मदद से कुछ देर हल्का हल्का मसलता रहे। इस तरीके से औरत की शर्मगाह में गर्मी पैदा होने लगती है और औरत मर्द की बाहों में गिर जाती है, क्योंकि औरत की उंगलियों की हरारत औरत की शर्मगाह तक ज़रूर पहुँचती है और औरत गर्म होकर मर्द के सामने कपड़े उतार कर हम बिस्तरी की ख्वाहिश करने लगती है। नंबर दो, औरत की छाती को मसलना। जो औरत मर्द को अपने जिस्म को हाथ लगाने नहीं दे रही हो, मर्द औरत के कपड़े उतार कर इससे जमा करे, तो इससे चाहिए कि औरत की छाती के ऊपर हाथ फेरता रहे, छाती को हाथ से मसलता रहे। छाती को मसलने से औरत की छाती और शर्मगाह गर्म हो जाती है, जिसकी वजह से औरत अपना शर्मगाह खोल लेती है। अगर मर्द ज़्यादा देर तक छाती को मसलता है तो जिस्म की गर्मी की वजह से औरत इतनी बेकाबू हो जाती है कि वह मर्द के नफ्स के ऊपर बैठ जाती है और मर्द को खुलकर मज़े देते हुए हम बिस्तरी कर लेती हैं। नंबर तीन, औरत की गर्दन को मसलना। जो औरत मर्द को अपने जिस्म को हाथ ना लगाने दे रही हो और मर्द की ख्वाहिश हो कि औरत कपड़े उतार कर इसके साथ खूब अच्छे से हम बिस्तरी करें, तो इसे चाहिए कि औरत के साथ रोमांस करते वक्त इसको अपने नीचे लिटा लें। अब जब मर्द औरत के ऊपर आता है तो औरत वैसे भी कमज़ोर पड़ जाती है। जब मर्द औरत की गर्दन को हाथ लगाता है, हाथों से गर्दन को मसलता है, होठों को किस करता है, तो फिर औरत की शहवत मर्द की हवस के सामने बेबस हो जाती है। औरत की शहवत इतनी बढ़ जाती है कि औरत बेताब होकर मर्द के सामने अपने कपड़े उतारने पर खुद ही मजबूर हो जाती है, क्योंकि फिर औरत को कपड़े उतारे बिना हम बिस्तरे में बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा। फिर जो मर्द कहता है वही करती है, इसकी ख्वाहिश